तीसरे चरण के दौरान 11 राज्यों में वोटिंग हुई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों पर जनता ने मतदान किया। आपको पहले बिहार का हाल दिखाता हूं, जहां तीसरे चरण में 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई। बिहार से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुद्दा तो जो काम करेगा उसको वोट करेंगे, वही है। हाँ, झंझारपुर निर्वाचन आयोग है, जिसका काम अच्छा रहा उसको वोट करेंगे। कई किए हैं हम लोग, जैसे कि ये एमपी का चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दा ही प्राइमरी रहता है, लोकल मुद्दा तो विधायकी चुनाव में या फिर मुखिया इलेक्शन में रहता है। तो वैसे हम लोग रामप्रीत मंडल जी से, जो अभी के सिटिंग एमपी हैं, उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मजबूरी बस मोदी जी के नाम पे ही वोटिंग हुआ है। हम लोग सारे युवा जो हैं इस बार संकल्पित हैं बदलाव के लिए, क्योंकि हमने पिछला 10 वर्षों का कार्यकाल देखा है। जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने मोदी जी को चुना था, उस विश्वास में वो खड़े नहीं उतरे हैं। जो मुद्दा था हमारा विकास से है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतने विशिष्ट कार्य किए गए हैं, खास करके हमारे तरफ जो रोड से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक, और खास करके जो गरीब तबके से जो लोग आते हैं जिनको 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड। मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? अच्छा देखते हैं, हम लोग उन्हीं के नाम पर तो वोट देते हैं। अभी जो वो कुंदन मंडल खड़ा है उसको हम लोग थोड़े वोट दें, हम तो मोदी को हम लोग वोट दिए। कैंडिडेट नहीं है, मोदी का चेहरा देखिए, मोराल की चेहरा एकदम राइट। अच्छा, ये सेंटिमेंट कई जगहों पर सुनने को मिल रहा है कि कैंडिडेट कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डाल रहे हैं। या लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सांसद हैं उनसे नाराजगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जिताना है इसलिए वोट डाल रहे हैं। कई लोग परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये बिहार में लोग क्या कह रहे हैं। इसी तरह आज मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट पड़ा है, और एमपी में कैसे मतदान हुआ, जनता ने किन मुद्दों पर वोट डाला, भोपाल से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, भोपाल में लोग क्या बोल रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। राजधानी भोपाल में तो कम से कम वोटिंग प्रतिशत बेहतर है। अभी फिलहाल कई जगह पे कतारें लगी हुई हैं। जो देश की प्रगति करेगा वो उसको देना चाहिए वोट। नजर में प्रगति है नहीं, अभी 10 साल से ज्यादा हुई है। पहले से बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, और एजुकेशन में स्पेशली हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत सारा बदलाव होना बाकी है। कि मोदी जी जब से आए काफी कुछ सुधार हुआ है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि शायद और भी अच्छा सुधार होगा। डेवलपमेंट के मुद्दे हैं कि डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है और आगे और अच्छा हो, बस यही चाहत रहेगी हमारी तो। यानी मध्य प्रदेश में भी कई लोग डेवलपमेंट को मुद्दा मानकर वोट करते दिखे हैं। कईयों को लग रहा है कि भाई डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, इसको कंटिन्यू रखना है, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, इस तरह की बातें लोग कैमरे पर कर रहे हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस भी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका रिलैक्स मूड, ये सब बताता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। वैसे भी तीसरे चरण को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि जिन 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उसमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप जैसा ही किया था। आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें आपको 2019 का रिजल्ट बताता हूं। इन 93 सीटों पर 2019 में क्या हुआ था, तीसरे चरण की जो 93 सीटें हैं, 93 सीट, और इसका 2019 का रिजल्ट देखिए, 2019 में क्या हुआ था, इसमें बीजेपी ने 72 सीट जीती थी, 72 सीट, और कांग्रेस को मात्र 4 सीट आई थी, 4 सीट जीती। ये हाल था। अगर आज के इंडिया अलायंस और एनडीए की तुलना की जाए तो 2019 में अगर आप देखिएगा कि एनडीए का क्या हाल था भाई, तो एनडीए को 2019 में 93 सीटों में से 75 सीट आई थी, 75, और जो आज का इंडिया अलायंस है उसको मात्र 8 सीट आई थी, और अदर्स जो हैं उनको 10 सीट गई। तो यानी ये वो फेज है, तीसरा चरण, जो बीजेपी के लिए मैसिव जीत दर्ज करना और वहां मैसिव बड़ी संख्या में सीटें हासिल करने वाला है। अच्छा, सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, जिन 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उसमें पिछले 3 चुनाव से बीजेपी ने अपनी ताकत लगातार बढ़ाई है, जबकि कांग्रेस का लगातार सफाया होता गया है। 2009 में बीजेपी के पास 93 में से 47 सीटें हुआ करती थी, जो कि 2014 में बढ़कर 67 हुई और 2019 में बढ़कर 72 पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस के पास इन 93 सीटों में से 2009 में 27 सीट होती थी। नरेंद्र मोदी का चेहरा आया तो घटकर 9 रह गई और 2019 में घटकर 4 हो। अगर इन सीटों पर कांग्रेस की गिरावट का यही पैटर्न रहा तो 4 सीटें भी कांग्रेस के लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा।
अगर तीसरे चरण की 93 सीटों पर पिछले तीन चुनाव का वोट शेयर देखें तो भी बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है। इन्हीं 93 सीटों पर अगर आप 93 सीट पर वोट शेयर दिखाओ, वोट शेयर क्या कहता है भैया, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो वोट शेयर अगर आप देखिएगा 2009 का, अगर आप देखिएगा 2009 में बीजेपी का वोट शेयर, आपको बता रहा हूं ये बीजेपी का वोट शेयर 32.46% था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो ये 32 से 11% बढ़कर सीधा 43.09% पे पहुंच गया। और जब 2019 में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उसके बावजूद ये 3% और बढ़कर 46.91%, मतलब ऑलमोस्ट 47% पे पहुंच गया। ये बीजेपी ने गेन किया। और कांग्रेस का क्या हाल रहा भाई, कांग्रेस का भी आपको हाल दिखाता हूं। कांग्रेस 2009 में इन 93 सीटों पर करीब 34% वोट पाती थी, 33.63%। 2014 में आप देखिए कांग्रेस जो है वो घटकर 27% के आसपास आ गई, और 2019 में कांग्रेस घटकर करीब 25% पर आ गई। तो कांग्रेस लगातार गिर रही है और बीजेपी लगातार इन 93 सीटों पर बढ़ रही थी, और अभी भी लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो किस तरफ जा रही हैं चीजें वो अंदाजा लगता है। बीजेपी किस तरह से तीसरे चरण की सीटों पर मजबूत है उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ऐसी बहुत सीटें हैं जिन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार से बीजेपी जीत रही। आपको आंकड़े बताता हूं। तीसरा चरण 93 सीटों का है जिसमें लगातार तीन बार जो सीटें बीजेपी ने जीती हैं उनकी संख्या 42 है। ऐसी सीटें कांग्रेस के खाते में एक, सपा के खाते में एक और एनसीपी के खाते में दो रही, यानी 42 सीटें, 93 में से 42 सीटें बीजेपी तीन बार से जीत रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ तो गुजरात है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोट पड़ गए। गुजरात में बीजेपी के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। वहां पर 1998 से बीजेपी की सरकार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने इतनी सीटें जीत ली थी जो गुजरात के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं जीती। यानी गुजरात में एक तरफा मामला बताया जा रहा है। आज गुजरात में बड़े बड़े लोगों ने वोटिंग की। अमित शाह ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में वोटिंग की। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए। बीजेपी विधायक रिबाबा ने भी अपना वोट डाला। उद्योगपति गौतम अडानी ने भी अहमदाबाद में वोटिंग की है। गौतम अडानी ने भी अपने परिवार के साथ वोटिंग आज करते हुए वो नजर आए। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और दो चुनाव से लगातार सभी सीटें यहां पर बीजेपी जीत रही है। इससे पहले भी गुजरात में ज्यादातर सीटें बीजेपी ही जीतती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा तो क्लीन स्वीप होता रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे गुजरात की 26 सीटों में 2009 में 15 बीजेपी जीती, लेकिन 14 और 19 में 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। जब इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर हो तो विपक्षी भी घबरा जाते हैं कि बॉस कुछ सीटें मिलेंगी या कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 2014 और 19 की लहर के में विपक्ष का इतना बुरा हाल हो गया था कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता अपना गढ़ नहीं बचा पाए। तीसरे चरण में भी विपक्ष के बड़े गढ़ दांव पर है। इनमें खास तौर पर यूपी में अखिलेश यादव और उनके परिवार का गढ़ शामिल है, क्योंकि तीसरे चरण में उन्हीं के इलाके में वोटिंग हुई है। अखिलेश यादव ने तो तीसरे चरण में पूरी ताकत लगा दी। आज अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाला, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी वोट कास्ट किया। दोनों ने सैफई में मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरे चरण में अखिलेश के परिवार के तीन लोगों की सीटें थी। इनमें मैनपुरी से डिंपल यादव थी, अखिलेश यादव की पत्नी है, बदायूं से आदित्य यादव थे जो शिवपाल यादव के बेटे हैं, और फिरोजाबाद से अक्षय यादव जो रामगोपाल यादव के बेटे हैं। इन तीनों के लिए आज वोट पड़े। तीसरे चरण की वोटिंग में यूपी में कुछ बवाल भी हुआ। जैसे यूपी में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि आगरा कैंट में बूथ नंबर 319 पर पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को धमकाकर वोट डालने से रोक रही है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने आंवला में भी वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि आंवला के फरीदपुर में बूथ नंबर 195 पर मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी आरोप तो लगा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही नेता भी हंगामा कर रहे हैं। आप संभल की तस्वीर देखिए। संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान और पुलिस में काफी देर तीखी कहासुनी हुई। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जियाउर रहमान की गाड़ी में 4 लोग सवार थे और वो वोटिंग का जायजा ले रहे थे। इस बात को लेकर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई। पुलिस का कहना था कि बिना अनुमति ये सभी लोग बूथ पर घूम रहे। काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। संभल में मतदान शांति के साथ हो गया हो और फर्जी वोटिंग न होने पाए, इसको लेकर पुलिस भी सख्त दिखी।
पुलिस अधिकारियों ने लोगों को बुलाकर समझाया भी कि जिनका वोट है वो बिना डरे वोट डालें, लेकिन अगर किसी ने फर्जी वोटिंग करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए एक बार। 7 तारीख का मतदान है, तो आप अपना वोट डालें, उसके लिए हम तुम्हें नहीं कह रहे, पर ये फर्जी जो तुमने किया, जो और फर्जी डालना चाह रहे हैं, जो कुछ पहले दिन से आके यहाँ रुक जाते हैं वोट डालेंगे, तो उन्हें बता देना, अब इस बार सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी ऐसे नहीं छूटेगा, कोई वोट डाल देगा फर्जी। समझ में आई बात? मुस्लिम वोटर्स को लेकर इतना बवाल और हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि तीसरे चरण की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा प्रभाव है। जैसे जिस संभल की बात कर रहा हूं, वहां करीब 9 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, बदायूं में 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, आंवला में करीब 3.5 लाख, आगरा में मुस्लिम वोटर्स 3.25 लाख के करीब है, बरेली में 6,65,000, फतेहपुर सीकरी में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं।